हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और ये एक है रिकॉर्डिंग, शर्मा जी ने किया था। ये बर्ड्स भी, इनके ये घोंसले भी और ये प्लांट भी हमारे जो सोसाइटी का गार्डन जैसा होता है ना, वहाँ पर है। तो शर्मा जी कभी कभी माइंड फ्रेश करने के लिए इस तरह फोटोग्राफी करने के लिए जाते हैं, सिर्फ नीचे ही हमारे सोसाइटी के गार्डन में ही। पहले वो बाहर जाते थे जो भी स्पॉट्स होते थे जहाँ ज़्यादा बर्ड्स मिल सकें, बिकॉज़ ही लव नेचर फोटोग्राफी, बर्ड फोटोग्राफी। बट अभी ये सभी पॉसिबल नहीं है। और ये बहुत ही प्यारा सा क्लिप है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू। और आज की वीडियो ब्लॉग नहीं है, बल्कि पिछले कुछ समय में मैंने जो दो तीन थोड़ी अच्छी वाली रेसिपीज़ बनाई थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कल की वीडियो देखकर आपको पता ही चल चुका होगा मैं आजकल व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। तो ये रेसिपीज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग हैं और आपको पसंद आएंगी, और इस समय में आपको अच्छी भी लग सकती हैं, इसलिए ये रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं ड्रमस्टिक का सूप। ड्रमस्टिक का सूप बेसिकली सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है आपकी हेल्थ के लिए, बट आजकल के समय में इम्यूनिटी बढ़ाना, आपका ये नेसल पैसेज क्लियर रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये ड्रमस्टिक का सूप ट्राई कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, टेस्टी भी होता है, इम्यूनिटी वर्धक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये ड्रमस्टिक्स ले लिए हैं और इन्हें बड़ा बड़ा काट रही हूँ मैं, क्योंकि सब्जी नहीं बन रही है, सूप बनाना है, इसलिए बहुत छोटा छोटा काटने की ज़रूरत नहीं है। इवेंचुअली हमें इसका पल्प ही चाहिए। तो बड़े बड़े मैंने टुकड़े निकाल लिए हैं ड्रमस्टिक के, और तीन चार ड्रमस्टिक में अराउंड 6 लोगों के लिए सर्विंग निकल आती है। ड्रमस्टिक धो लिए थे और उसके बाद मैंने उनको छील कर रख लिया है। कुकर में बनाएंगे तो मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के अनियन ले रही हूँ, इनको भी रफली चॉप कर लीजिए, बाद में ये सारी चीज़ें पीसनी ही हैं क्योंकि हम सूप बना रहे हैं। तो 2-1 मैंने ले ली है प्याज, इसके सामने 2-1 ही ले लीजिए टमाटर। टमाटर जो आजकल मुझे मिल रहे हैं वो थोड़े येलो हैं, आपके पास जितना रेड टमाटर हो उतना बेहतर सूप का मज़ा आएगा। टमाटर भी काट कर डाल दिए हैं, ड्रमस्टिक ऐड कर दूँगी। इसमें लहसुन ज़रूर डालिएगा अगर आप खाते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। डाल दीजिए इसमें पानी, नमक, बहुत सारा ज़ीरा, चुटकी भर हल्दी, और ढक्कन लगा के इसे 2 से 3 सीटी आने दीजिए। इसका प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा, तो ढक्कन खोलेंगे। और मैं आप लोगों को देना चाहती थी एक बहुत अच्छी शीर खुरमा की रेसिपी, क्योंकि तब ईद आने वाली थी। मैं यहाँ पे शीर खुरमा की ही तैयारी कर रही हूँ, बट somehow मेरा ये क्लिप जो है करप्ट हो गया, तो मैं रेसिपी आपको नहीं दे पाऊँगी। दोबारा कभी बनाऊँगी तो फिर अच्छे से रेसिपी दूँगी। मैंने बनाना शुरू ही किया था, आई डोंट नो somehow क्या हो गया उस क्लिप को। बहरहाल वापस आते हैं सूप की तरफ। तो यहाँ पर प्रेशर निकल गया तो मैंने ढक्कन खोल लिया। इसमें से जो ड्रमस्टिक्स है ना उसे बाकी चीज़ों से सेपरेट कर लेंगे। ये ड्रमस्टिक के अंदर जो पल्प होता है वो स्क्रेप करके निकालना है, इसलिए पहले थोड़ी सी ठंडी हो जाए उसका वेट करेंगे। इसके बाद एक स्पून ले लीजिए और देखिए किस तरह मैं स्क्रेप कर रही हूँ, ऐसे करके इसका जो पल्प है वो अलग कर लीजिए। और देखने में लग रहा है कि बहुत टाइम टेकिंग काम है, बट ये बहुत आराम से और बहुत जल्दी आप कर पाएंगे। ड्रमस्टिक के बीज हमेशा सॉफ्ट ही रहते हैं, बट अगर कड़क वाले हैं तो उन्हें भी प्लीज़ डिस्कार्ड कीजिएगा। ये देखिए पल्प हो गया है तैयार, देखने में थोड़ा कम लग रहा है बट सूप के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा पल्प नहीं चाहिए। इसके बाद जो रिमेनिंग ब्रॉथ है इसमें से जो प्याज टमाटर है उसे भी छान कर अलग कर लेंगे। अब ये जो सॉलिड्स हैं ना इन्हें मिक्सी के जार में लेकर पीस लीजिए, और जो स्टॉक जैसा रह गया ना पानी जो छान लिया है हमने उसे फेंकना नहीं है, उसे संभाल के रखिए। इसमें एक छोटा सा टुकड़ा मैं अदरक का यहाँ काट के डाल रही हूँ, और मैंने कहा था कि इसमें लहसुन ज़रूर डालिएगा अगर आप खाते हैं उबालते समय, हाँ बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे और ज़्यादा हेल्दी बन जाता है ये। मैंने इसमें जो ड्रमस्टिक का पल्प था वो भी ऐड कर दिया और इसको पीस लिया है। कुकर में डाला एक छोटा सा टुकड़ा बटर का, और इसके बाद जो अभी हमने
हमने सारा मिश्रण तैयार किया है पीस करके, वो ऐड कर दीजिए डायरेक्टली। इसमें कुछ और आपको नहीं ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। ये एक बहुत ही सिंपल सा हम्बल सा सूप है जो आपकी हेल्थ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बन भी आसानी से और जल्दी से जाता है। ये सूप में आप आपके प्रेफरेंस के हिसाब से पानी वगैरह मिला लीजिए और नमक वगैरह टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए, थोड़ी सी काली मिर्ची, थोड़ा सा चीनी फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। और आपको इसमें ऊपर से कॉर्न स्टार्च वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्रीम भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही ये सूप रेडी हो जाएगा। हाँ, थिकनेस आपको जैसी चाहिए उस हिसाब से आप पानी मिलाइएगा। एक बहुत अच्छा सा इसमें बॉईल आ जाए इतनी देर का आप वेट कीजिए और उसके बाद नींबू डालेंगे। आप गैस बंद करके लास्ट में नींबू डाल दीजिए, कितना टार्ट आपको पसंद आएगा, हाफ लेमन का जूस भी इनफ है। और बस अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और ये सूप आपका हो चुका है रेडी, टाइम टू सर्व। यूजुअली बहुत टेस्टी वाले सूप तो हम हमेशा ही खाते रहते हैं, ये एक हेल्दी वाला सूप है। गिव इट अ ट्राई, आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ज़रूरी भी है। ये अपने आप में एक मील जैसा भी है, अगर आपको लाइट मील लेने का मन है ना तो आप एक बोल ये वाला सूप पी लीजिए, इट इज़ जस्ट इनफ। गार्निश कर रही हूँ मैं इसे थोड़े से हरा धनिया के पत्ते के साथ एंड द ड्रमस्टिक सूप इज़ रेडी। मेरा शीर खुरमा भी देखिए रेडी हो गया था, मैंने इसको निकाल लिया है, गार्निश मतलब सर्व कर लिया है। अच्छा बना था, ये रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी बाद में, अभी तो मौका भी निकल गया। बहरहाल बढ़ते हैं अगली रेसिपी की तरफ। मैंने कढ़ाई में डाला है बिल्कुल थोड़ा ऑयल और डाले हैं थोड़े से पीनट्स। मैं ड्रमस्टिक की ही करी बना रही हूँ, एक अलग स्टाइल का, और ये बहुत ही अमेजिंग बनता है, बहुत डिफरेंट। मतलब मैं नॉर्थ इंडियन स्टाइल कुकिंग की बात कर रही हूँ, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ये करी और टेस्टी भी बहुत लगती है। थोड़ा सा पीनट्स भुन जाएंगे तो मैंने यहाँ लिया है थोड़ा सा कोकोनट और थोड़े से सेसमी सीड्स। आपका पीनट्स थोड़े अच्छे से पहले भून ही लीजिएगा, उसके बाद ही इसमें कोकोनट एंड सेसमी सीड्स ऐड कीजिएगा, क्योंकि इन दोनों का कुकिंग टाइम कुछ भी नहीं है, पीनट्स को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। थोड़े करी पत्ता मैंने ऐड कर दिए, सारी चीज़ें मिला के थोड़ी देर भूनते रहेंगे। थोड़ा सा अदरक, थोड़ी एक हरी मिर्चें मैंने डालकर यहाँ पर भूनना है। जैसे ही आपको तिल की चटचट सुनाई देने लगे आप तुरंत गैस बंद कीजिए, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। हल्का हल्का कलर आने लगेगा कोकोनट एंड तिल के ऊपर, बस इसे निकाल लीजिए एक प्लेट के अंदर, थोड़ा ठंडा कर लीजिए, बाद में हम इसे पीसेंगे। आप इसे ज़्यादा भूनोगे ना तो तिल है ना फिर कड़वाहट पकड़ लेंगे और करी में कड़वा कड़वा टेस्ट आएगा। सेम कढ़ाई में ऑयल डालकर डाला है मैंने थोड़ा सा राई, ये थोड़े से तेज पत्ता को तोड़कर डाला है, थोड़ा सा हींग डाला है और डाल दिए हैं प्याज। मैं इस करी में भी जो गार्लिक है उसका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बट गार्लिक इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देता है, तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कीजिएगा। मेरे ये जो नट्स हैं ना ये सभी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो अभी एक ग्राइंडिंग जार में इनको डालकर एक पाउडर बना लेंगे। थोड़ा सा कोर्स पाउडर ही बनेगा, इट्स ओके, बहुत स्मूथ बनाने की ज़रूरत नहीं है, पानी वानी नहीं डालना है, इसे ड्राई पाउडर बना लीजिए। और इसको अभी रख देंगे एक साइड में, प्याज भुन रहे हैं, प्याज के बाद चाहिए होंगे टमाटर, तो पहले टमाटर तैयार कर लेते हैं। सेम ब्लेंडिंग जार में मैंने ये दो चार टमाटर ले लिए हैं, 3 टमाटर टू बी प्रिसाइज, और इसको काट करके ब्लेंडिंग जार में मैं पीस लूँगी, इससे मेरा जार भी साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पे प्याज जो है भुनने आए हैं, बहुत ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना है, थोड़े ट्रांसलूसेंट होने लगेंगे, ब्राउनिश होने लगेंगे, बस इसमें फिर ऐड कर दीजिए जो टमेटोज हमने पीस करके रखे हैं। और इसमें गार्लिक का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, आप अगर खाते हैं ना तो टमाटर से पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर भून लीजिए और इसके बाद ऐड करने इसमें मसाले। और मसालों में मैंने ऐड किया है हल्दी मिर्ची, धनिया का पाउडर, थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अभी ये जो मसाला है ना इसको आपको अच्छी तरह से भूनना है, बिल्कुल ऑयल जैसा ऊज आउट होने लगेगा, तब तक इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, पेशेंस के साथ इसको आपको अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा फ्लेवर्स बैलेंस करने के लिए। शुगर, मैं जो शुगर डालती हूँ सिर्फ फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए होता है, इससे मेरी करी कभी भी मीठी नहीं लगती है, मीठा नहीं बनाना है। जब तक मसाला भून रहा है मैं यहाँ फटाफट से जो दाल है इसको रख दूँगी सोकिंग के लिए।
एकदम ही सिंपल वाला क्विक वाला दाल भी बना रही हूँ मैं इसके साथ। मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो जो मसाला हमने पीस के रखा था वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से पूरा मसाला मिक्स कर लीजिए, मतलब लम्ब्स अलग अलग दिखें ऐसा नहीं, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ना तो फिर पानी डालने के बाद इसमें लम्ब्स भी नहीं बनेंगे। तो अच्छी तरह मिला के भून लीजिए, मिक्स कर लीजिए और फिर इसके बाद डालिए इसके अंदर पानी। और ये काफ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी बनती है तो पानी आप आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पानी मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल दिया है, थोड़ा सा सॉल्ट भी मैंने यहाँ पे सीजनिंग एडजस्ट करने के लिए डाला है। और फिर ये क्लीन किए हुए ड्रम स्टिक्स हैं, धो के क्लीन करके काट के मैंने रखे हुए हैं, ये ऐड कर देंगे। उबाला हुआ नहीं है, ये कच्चे ही ड्रम स्टिक्स हैं। ढक्कन लगाइए और ड्रम स्टिक्स को भी पकने के लिए रख दीजिए। कढ़ाई में थोड़ा सा घी लिया है मैंने, थोड़ा सा जीरा, हींग, प्याज, और ये बन रहा है दाल का तड़का। क्योंकि मैं एकदम ही सिंपल सी दाल बना रही हूँ तो तड़का भी एकदम ही सिंपल है। प्याज थोड़े भुन जाएंगे तो डाल दिया है मैंने टमाटर और एक हरी मिर्ची। प्याज मैंने ज़्यादा नहीं भुने, आप देख सकते हो अच्छा लगता है ऐसे प्याज कभी कभी। तो ये मसाले के ऊपर डाला है मैंने थोड़ा सा नमक, सो दैट जो टमाटर हैं वो जल्दी से पक जाएंगे। एंड ये बहुत सौंधी सौंधी दाल बनती है, बहुत अच्छी लगती है। आप इसे राइस के साथ, चपाती के साथ खा सकते हो, चाहे तो ऐसे ही चम्मच से खा लीजिए। हल्दी दाल उबालते समय डाल दी थी तो मैंने यहाँ थोड़ा धनिया का पाउडर और लाल मिर्ची का पाउडर डाला है। और ये मसाला जैसे ही तेल छोड़ दे तो ये भुन चुका है, इसको दाल के अंदर ऐड कर दीजिए। इस स्टेज पे अगर आपने दाल के अंदर दाल का कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए ऊपर से पानी नहीं डाला है तो तड़का डालते ही आपकी दाल तैयार हो चुकी है। बट अगर आपने पानी डाला है कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए तो दाल को एक बॉईल पर ले आइए, इसके बाद दाल इज़ रेडी। यहाँ मेरा ड्रम स्टिक का करी एकदम तैयार है, थिकनेस एकदम सही है और ड्रम स्टिक्स पकने आए हैं। तो मैंने यहाँ डाल दिया है थोड़ा सा गर्म मसाला। इस स्टेज के बाद आपको ड्रम स्टिक 2 मिनट और पकाने हैं। ये मेरे पास थोड़ा सा पनीर रखा है, इस रेसिपी में इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बट मेरे पास ये रखा था तो मैंने ऐड कर दिया है। आपको ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इससे पहले स्टेप तक जहाँ पर ये पक चुका था ना सब कुछ, बस ये ड्रम स्टिक की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। मैं इस पनीर को डिस्कार्ड नहीं करना चाहती थी, यूटिलाइज़ करना चाहती थी तो मैंने इसको यहाँ मिला दिया है। ढक्कन लगा के इसको पका लीजिए अनदर 2 मिनट्स, मतलब इसके ऊपर है ना एक अच्छा कोरमा का लेयर आपको दिखने लगेगा। पकाना है आपको एकदम ही स्लो फ्लेम पे, तो जब तक ऊपर रेड रेड कोरमा दिखे तब तक पका लीजिए। दाल मेरा रेडी ही था, मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा हरा धनिया। दाल फिनिश हो चुकी है, रेडी हो गई है। और देखिए करी कैसी दिख रही है, इसमें भी डाल दिया मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और ये ड्रमस्टिक करी भी हो गई है तैयार। इसको ज़रूर ट्राई देना, आपको ये करी बहुत अच्छी लगेगी। डिफरेंट स्टाइल है, बहुत यमी है, बहुत टेस्टी बनती है। गिव इट अ ट्राई, यू वुड लव इट। और इसी के साथ आ गए मैं इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो और वीडियो में दिखाई गई रेसिपीज़ आपको पसंद आई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।